नमस्कार, मैं हूँ आरती परब, एए प्रगति टाइम्स न्यूज रील। आज के मुख्य समाचार। गौतम नवलखा को 15 अक्टूबर तक गिरफ्तारी से राहत। अलगाववादी नेता यासीन मलिक के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल। चिदंबरम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई को नोटिस। राहुल ने रात्रिकालीन यातायात प्रतिबंध के खिलाफ दिया कानूनी मदद का भरोसा। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर 611 कैदी रिहा। कांग्रेस ने अदिति सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया। मध्य प्रदेश में अतिवृष्टि और बाढ़ से 674 जाने गई, केंद्र से मांगे 7100 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश में गांधी की तस्वीर पर राष्ट्रद्रोही लिखने वालों की तलाश जारी। रेपो रेट में कटौती से नहीं मिला सहारा, सेंसेक्स 434 अंक टूटा। आरबीआई ने जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 6.1% किया। पेट्रोल और डीजल के भाव लगातार दूसरे दिन घटे, उपभोक्ताओं को राहत। जयललिता की बायोपिक में अरविंद स्वामी निभाएंगे एमजीआर का किरदार। रणबीर और आलिया बने लेज के ब्रांड एम्बेसडर। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय वन स्टॉप सेंटर पर दे रहा जोर। पाकिस्तान की राजनीति में वापसी करने जा रहे हैं मुशर्रफ।